भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे अधिक प्राचीन संस्कृति है इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है तथा वसुधैव कुटुंबकम इसका बीज मंत्र रहा है ऐसी मान्यता है कि सागर मंथन के समय प्राप्त अमृत कलश को सुरक्षित ले जाते हुए छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें नासिक उज्जैन प्रयाग तथा हरिद्वार में छलक कर गिर गई थी इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है प्रयाग को भारत के सभी तीर्थों में श्रेष्ठ मानते हुए इसे तीर्थराज कहा गया है यह उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियों गंगा व यमुना तथा विलुप्त सरस्वती नदी का संगम स्थल है ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना कठिन है कि प्रयाग में कुंभ कब से प्रारंभ हुआ परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुंभ एक प्राचीन प्रघटना है क्योंकि इसके आयोजन का संबंध सागर मंथन की कथा से है जो कि एक पौराणिक कथा है साथ ही यह कर्म कांडों का हिंदू कैलेंडर की विशिष्ट तिथियों को किया जाता है जब कुछ विशिष्ट ग्रह कुछ निश्चित राशियों में प्रवेश करते हैं अतः इसका वर्तमान स्वरूप हिंदू कैलेंडर के विकसित होने के बाद से है यह सर्वविदित है कि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है जिसको ईसा पूर्व छप्पन में उज्जैन के महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था महान खगोलशास्त्री वाराह मिहिर इस युग के प्रमुख ज्योतिषी थे तथा उज्जैन के दरबार का अंग थे प्रयाग उज्जैन हरिद्वार और नासिक भारत के प्राचीन सांस्कृतिक नगर रहे हैं जहाँ कुंभ का आयोजन होता है अतः संभावना है कि कुंभ की वर्तमान परंपरा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के काल में प्रारंभ की गई हो अथवा इसे एक नया रूप प्रदान किया गया हो राजा हर्षवर्धन के काल में भारत में आए चीनी यात्री हून सांग ने भी अपनी यात्रा में नदियों के मिलन स्थल पर प्रति पाँच वर्ष पर एक बड़े मेले के आयोजन का विवरण दिया है जिसमें राजा द्वारा दान आदि करने का उल्लेख किया है जो कि अर्धकुंभ की अवधि अर्ध से काफ़ी मिलता है तुलसीकृत रामायण में भी रामवन गमन के समय प्रयाग का तीर्थराज के रूप में उल्लेख मिलता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो धार्मिक मेलों का उद्देश्य समाज में समरसता व सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करना है साथ ही प्रत्येक मेले के आयोजन से कोई ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी होती है जो समाज के सदस्यों को निरंतर उस विशिष्ट घटनाक्रम के महत्व की याद दिलाती रहती है तथा समाज की एकता में सहायक होती है कुंभ का देश के चार विभिन्न क्षेत्रों में आयोजन सामाजिक व सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से अनुपम है प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा का अवतरण त्रेता युग में भगवान राम के पूर्वज भागीरथ के कठिन तप से संभव हो सका था गंगा को भारत की सबसे अधिक पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है तथा इसे पाप नाशनी व मोक्षदायिनी भी कहा गया है वहीं यमुना का संबंध द्वापर युग में अवतरित भगवान कृष्ण से रहा है तीसरी विलुप्त नदी सरस्वती का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ा जाता है जो किन्ही कारणों से विलुप्त हो गई थी इसकी खोज आज भी जारी है ऐसी मान्यता है कि सरस्वती विलुप्त होने के पश्चात भी गुप्त रूप से प्रयाग में संगम स्थल के निकट सरस्वती कूप में प्रकट होकर गंगा में विलीन हो जाती है भारतीय संस्कृति के इन तीन ऐतिहासिक युगों में उल्लेखित इन पवित्र नदियों का मिलन स्थल होने से यह हमारी उस संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना का केंद्र कहा जा सकता है जिसका विकास कई युगों में हुआ है कुंभ के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान आदि हेतु आते हैं तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं इस काल में यहाँ रहकर जप तप करने का भी विशेष महत्व माना जाता है साथ ही हिंदू धर्म के विभिन्न मत मतांतर वाले साधु संत व सन्यासी अपने दल बल के साथ यहाँ डेरा लगाकर प्रवास करते हैं वे अपने अपने विचारों को श्रद्धालुओं के समक्ष रखते हैं अत इस आयोजन के माध्यम से विभिन्न विचारधाराओं के आध्यात्मिक संदेशों का समागम होने के साथ साथ सामान्य जन में इनका प्रचार व प्रसार भी होता है कई नवीन मतों के संस्थापकों ने अपने मत का प्रचार व प्रसार करने के लिए कुंभ के अवसर को चुना था इनमें आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1855 में हरिद्वार में हुए कुंभ में पाखंड खंडनी पताका फेरा कर आर्य समाज का प्रचार प्रारंभ किया था इसके निन्यानवे वर्ष पश्चात पर गायत्री परिवार व शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने वर्ष उन्नीस में प्रयाग के महाकुंभ के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने मत के प्रचार व प्रसार हेतु यहाँ प्रवास किया था उन्होंने पूरे प्रयाग को एक यज्ञशाला कहा था उनके अनुसार गंगा यमुना की धारा ने प्रयाग को तीन भागों में बांट दिया है तीनों भाग अग्नि के स्वरूप हैं गंगा यमुना के मध्य का भाग गारत्य अग्नि गंगा पार का प्रतिष्ठानपुर झूंसी वाला भाग आहवनीय अग्नि और यमना पार का अलर्कपुर या अरेल वाला हिस्सा दक्षिणा अग्नि कहा जाता है इन तीनों क्षेत्रों का अपना अपना महत्व है मध्य भाग में स्थित गार्यपत अग्नि जहाँ ग्रस्त आश्रम के महत्व को बताता सा प्रतीत होता है वहीं आहवनीय अग्नि तप तितिक्षा संन्यास की प्रतीक है यह अग्नि निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाती है अतः गंगा पार के भाग में साधु संन्यासियों का स्थान है यमुना इस पार दक्षिणा अग्नि वाले क्षेत्र में सौम्य साधनाएं होती हैं जैसे कथा कीर्तन सत्संग आदि इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंभ न केवल भारतीय परंपराओं व संस्कृति को पुष्ट करने का कार्य करता है अपितु नवीन चिंतन के तत्वों का समावेश भी करते हुए इसे गत्यात्मक व्यवस्था के रूप में विकसित भी करता है अतः यह न केवल तीन पवित्र नदियों का संगम स्थल है अपितु भारत भारतीय समाज व संस्कृति के विभिन्न आध्यात्मिक विचारधाराओं की संगम स्थली भी है यहाँ से प्रसारित संदेश करोड़ों श्रद्धालुओं के माध्यम से सीधे दूरस्थ गांवों तक पहुँच जाता है आज वैश्वीकरण के युग में कुंभ का आयोजन एक वैश्विक प्रघटना है वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व स्तर पर सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर संपर्क की तीव्रता गहनता वै विस्तार में वृद्धि से संबंधित है नवीन संचार तकनीकियों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट मोबाइल फोन आदि ने वैश्वीकरण को तेजी से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पिछले दो दशकों में संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वैसे तो जनसंचार माध्यमों के रूप में समाचार पत्र रेडियो व टेलीविज़न कई दशकों से कुंभ के प्रचार व प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं परंतु सूचना क्रांति के इस युग में कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल फोन आदि के माध्यम से भारत के नगरीय व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सूचना का प्रवाह तेजी से हो रहा है साथ ही कुंभ में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है अतः आज कुंभ का आयोजन करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गई है विशेष रूप से शाही स्नानों के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने का कार्य बहुत दुष्कर है इसके लिए प्रशासन को न केवल आवागमन के, आवा के साधनों को उपलब्ध कराना होता है अपितु तो उनका प्रभावी नियंत्रण भी करना आवश्यक है साथ ही संगम स्थल को अस्थायी नगर के रूप में विकसित करने का दुष्कर कार्य भी करना होता है उपग्रह व वेब टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रही सूचना क्रांति ने वैश्विक संपर्क को सुगम बना दिया है कुंभ के वर्तमान आयोजन में इसका भरपूर उपयोग किया भी जा रहा है पूरे नगर की सड़कों को चौड़ा करके यातायात को सुचारू व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है साथ ही विभिन्न चौराहों पर वे मेला क्षेत्र में डिजिटल साइनेज लगाए गए हैं इन पर रात दिन कुंभ व प्रयाग की महिमा से संबंधित वीडियो दिखाए जा रहे हैं अपितु इनका उपयोग समय समय पर सूचनाएं प्रसारित करने के लिए भी किया जा रहा है इनकी विशेषता यह है कि प्रत्येक डिजिटल साइनेज पर प्रसारित होने वाली सूचनाएं आवश्यकता अनुसार समान व भिन्न रूप से प्रसारित हो सकती हैं यदि कोई सूचना किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है तो उसका प्रसारण उस विशेष क्षेत्र तक ही सीमित किया जा सकता है इसका नियंत्रण इंटीग्रेटेड कंट्रोल व कमांड सेंटर से किया जाता है वैश्वीकृत मीडिया और वेबसाइट के द्वारा कुंभ का विश्व स्तर पर प्रचार व प्रसार करना अब संभव हो गया है कुंभ की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी प्रारंभ की गई है इसे विश्व के किसी भी भाग से एक्सेस किया जा सकता है इस पर कुंभ से संबंधित विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध हैं इस पर न केवल कुंभ के प्रमुख स्नानों का लाइव प्रसारण किया जा रहा है अपितु उनके वीडियो को भी डाउनलोड भी किया जा सकता है इस वेबसाइट के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में बैठकर कुंभ का लुत्फ लिया जा सकता है मोबाइल फोन पर वीआर डिवोटी ऐप डाउनलोड करके कहीं भी कुंभ में हो रही गतिविधियों को देखा जा सकता है इतना ही नहीं इस वेबसाइट पर श्रद्धालुओं द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए फोटो भी उपलब्ध हैं विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले अनेकों प्रवासी भारतीयों व भारतवंशी विदेशी नागरिकों के लिए कुंभ का बड़ा महत्व है इनमें से अनेकों विशेष रूप से कुंभ में भाग लेने के लिए भारत आने का कार्यक्रम बनाते हैं भारतीय संस्कृति से प्रभावित अनेक विदेशी नागरिक भी यहाँ देखे जा सकते हैं विश्व स्तर पर आवागमन के साधनों के विकास ने ग्लोबल विलेज की अवधारणा को साकार कर दिया है कुंभ स्थल को हम ग्लोबल विलेज के रूप में देख सकते हैं जहाँ अनेक मत मतांतर के श्रद्धालु साधक संत व सन्यासी आते हैं और सांस्कृतिक विमर्शों से लाभान्वित होते हैं इस बार कुंभ के पावन अवसर पर विश्व के 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के आमंत्रण पर यहां आकर भाग लिया जिनका प्रत्यक्ष रूप से हिंदू धर्म व संस्कृति से जुड़ाव है कुंभ का विशेष कवरेज भी वैश्वीकृत मीडिया व सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर यूट्यूब आदि पर बड़े जोर शोर से किया जा रहा है जिन पर लोग कुंभ के फोटो व वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि शने-शने कुंभ सांस्कृतिक वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में समाज की धार्मिक व आध्यात्मिक चेतना को एक, एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है